एक कोई अभी बहुत बढ़िया सा गाना आ रहा था एफएम के ऊपर, बढ़िया इसलिए लगा मैं आपको बताता हूँ। कोई पंजाबी सॉन्ग था, मेरे को पता नहीं है कि क्या सॉन्ग का नाम है, लेकिन क्या है उसका जो एक लिरिक था वो मुझे पसंद आया कि बोतला दा शौकीन नहीं नैना दा शौकीन, ऐसे कुछ। तो मैंने कहा कि यार ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाए, जो लोग सड़ सड़ के है ना, तड़प तड़प के मरते हैं, ठीक है, क्योंकि मौत जिस दिन आनी है उसी दिन आनी है, लेकिन वो सारे लोगों की क्या है जनसंख्या कम हो जाए, मतलब तड़पने वालों की, और क्या है परिवार भी थोड़े से और सुखी और खुशहाल रहने लग जाएं, अगर है ना बोतलों की जगह नैनो के खाली शौकीन रह जाएं तो। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और अभी बज रहे हैं यार शाम के 4:30। आज क्या है कि यार संडे का दिन है तो काम वाम थोड़ा सा जल्दी निपट गया था और मैं 3 बजे समथिंग जो है घर पे आ गया था। तो फिर उसके बाद में घर पे आने के बाद में और आधा एक घंटा खाना वाना खा के रेस्ट वेस्ट तो नहीं किया और वापस से निकला हूँ, कुछ काम है मेरे को तो उधर की तरफ निकल रहा हूँ। ये पीछे यार क्या है, बाल खड़े हो रहे हैं या क्या? अच्छा वो दिख रहा है मेरे को, इतनी देर से लग रहा था यार बाल बाल शायद खड़े हो गए मेरे। ये आ गया है कलेक्ट्रेट सर्किल, और कलेक्ट्रेट सर्किल से होते हुए अपन लोग सीधा का सीधा जाएंगे। ये अभी 4:30 बज रहे हैं ना, तो यार ट्रैफिक वगैरह ज्यादा नहीं है और संडे का दिन है तो शायद एक्सपेक्टेड एज एक्सपेक्टेड और एक्सपीरियंस के थ्रू शायद कम ही रहने वाला है, ऐसा लोग बोलते हैं। बट मैंने लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर जो एक्सपीरियंस किया है ना वो ऐसा है कि भाई साहब आप संडे सैटरडे कुछ ही हो आपके ट्रैफिक फुल ऑन रहता है जम के, क्योंकि क्या है कि पहले से गाड़ी घोड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और यार अब हम लोगों को आजकल की है ना जनरेशन जो आप और हम लोग हैं उनको इतनी आदतें पड़ गई हैं कि ट्रैफिक नहीं दिखता है ना यार, तो हम परेशान हो जाते हैं, बोले नहीं यार ट्रैफिक वगैरह की इतनी ज्यादा आदत हो गई है ना कि हमें तो ट्रैफिक देख करके ही अच्छा लगता है, वरना अदरवाइज लोग पहले के टाइम पे क्या है कि ट्रैफिक नहीं होता था ना तब खुश होते थे, और हम क्या है कि ट्रैफिक जब नहीं होता है तब थोड़े से दुखी होते, बोले अरे यार चहल पहल नहीं दिख रही यार, मजा सा नहीं आ रहा थोड़ा सा, क्या बात हो गई आज। तो सी स्कीम भी जाना है और मालवीय नगर भी जाना है और आप लोगों को कुछ दिखाने का मेरे मन में है, तो वो भी जो है उसके लिए मानसरोवर भी जाना है, तो देखते हैं कि यार किस हिसाब से प्लान होता है, पहले किधर की तरफ जाऊं। और सोच रहा हूँ कि ठीक है पहले सी स्कीम पड़ रहा है तो पहले सी स्कीम वाला ही काम निपटा लेते हैं यार, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे काम निपटता है तो आपका भी यार माइंड थोड़ा फ्री हो जाता है और फिर फ्री माइंड से थोड़ा और अच्छे से आप लोगों को क्या है जो भी चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो दिखा पाऊंगा। और अपन बढ़िया एंजॉय करते हुए जा रहे हैं और सी स्कीम का काम तो हो ही गया था, WTP लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो अब अपन शिप्रा रोड से क्या है कि VT रोड की तरफ मुड़ जाएंगे। ये जो IS स्कूल आपको राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये 24 या 27 मंजिला जो फ्लैट दिखाई दे रहे हैं उसी के जस्ट बगल में है VT रोड। तो VT रोड पे अपन मुड़ रहे हैं, देखिए XUV के पीछे पीछे अपन मुड़ गए हैं VT रोड के ऊपर, और ये आ गया है अपने सामने VT रोड का चौराया जो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, और अपन यहाँ से मुड़ रहे हैं लेफ्ट में, उल्टे हाथ की तरफ अपन मुड़ चुके हैं, और राइट में जो है वो अब सिटी पार्क चलना चालू हो चुका है डिवाइडर के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, और सिटी पार्क का ये गेट यहाँ पे भी बनाया गया है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी, ये देखिए जहाँ आपको लोग वो खड़े हुए दिख रहे हैं और सेल्फी वगैरह ले रहे हैं ना, ये भी सिटी पार्क का गेट बनाया गया है, दैट मीन्स यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बट अभी ये खाली दिख रही है जगह, और राइट में सिटी पार्क है, तो बस अब अंदर चलते हैं अपन। तो भाई इस तरीके से क्या है मैंने आपको रास्ता भी लोकेट कर दिया, मतलब अच्छे से आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोग कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो और भटके नहीं और सीधे पहुंच जाएं। सिटी पार्क पहुंच तो गए हैं, गाड़ी भी पार्क कर दी है, लेकिन क्या भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रही है शायद संडे की वजह से, और नया नया इनॉग्रेशन हुआ है तो लोग भी देखना चाह रहे होंगे आकर के। ये कितना बड़ा इसका व्यू है, ये सामने की साइड का गेट जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि लेफ्ट में एक गेट बनाया गया है, बट यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, इसके पीछे मेला लगा हुआ है अभी, और ये है मेन गेट जो अभी स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आपको खूब भीड़ दिख रही है अंदर। तो ये बहुत ही बड़ी सौगात दी है पब्लिक को, ताकि क्या है पब्लिक आराम से आ सके, अपना वॉक कर सके और खुली फ्रेश एयर के अंदर है ना एंजॉय कर सके, और खूब सारे लोग यार एक तरीके से पिकनिक मनाने जैसे यहाँ पे खूब सारे आए हुए बैठे हैं। और मैं जो हूँ पूरा का पूरा पार्क नहीं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि पूरा पार्क कवर करने के अंदर यार मतलब
अच्छा खासा लंबा चक्कर होने वाला है, लेकिन क्या है मेन मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैं पूछ पूछ के, बीच में जो गार्ड्स वगैरह हैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने के अंदर, और भीड़ बहुत ज़्यादा है आज के दिन, संडे है ऑलरेडी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। यार इसका ट्रैक तो है ना सेंट्रल पार्क के भी ट्रैक से बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। ऐसा लग रहा है कि यार सेंट्रल पार्क जो है ना वो छोटी पड़ेगी शायद इसके सामने, जितना लग रहा है। मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ बट देखते हैं। वो वाली पूरी की पूरी बिक गई भाई अपनी, पापा ने और ताऊजी ने काटी थी। हाँ 3.5 बिक गई तो थी, ज़्यादा थोड़ी थी, ज़्यादा होती तो फिर भी बची रहती। जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ा ना उस अकॉर्डिंग जो है अभी फ़ेज़ 1 का काम कंप्लीट हुआ है और फ़ेज़ 2 का इन प्रोग्रेस है, तो फ़ेज़ 2 का काम चल भी रहा है और मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए फ़ेज़ 2 का काम अभी चल रहा है, बाकी फ़ेज़ 1 भी जो कंप्लीट हुआ है ना वो भी बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है फ़ेज़ 2 भी, मतलब सॉरी फ़ेज़ 1 भी जो कम्प्लीट हुआ है। ये देखिए फ़ेज़ 2 वर्क इन प्रोग्रेस। ये देखिए अभी मैं थोड़ा सा ऊँचाई पर आके खड़ा हो गया हूँ, देखिए कितनी भीड़ है यार पूरे के पूरे सिटी पार्क के अंदर। और देखिए वहाँ से मैं आया था, वो सामने आपको दिखी गया होगा, बच्चे खेल रहे हैं, कोई रिलैक्स कर रहा है आराम से, कोई बैठे हुए हैं। ये थोड़ी सी है ना ऊपर जगह है जिस पर मैं चढ़ के आया हूँ, और मेरे को देखने पे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे बीच में ये जो जगह है ना यार, यहाँ पे ऐसा लग रहा है देखने में कि यहाँ पे कुछ आने वाला है, कुछ कंस्ट्रक्ट होने वाला है, तो वो शायद यहाँ पे बनेगा, देखते हैं अभी क्या आएगा। अभी बहुत कुछ यहाँ पे बनना बाकी है, बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे बाकी है। के लिए बनवाएंगे, वैसे तो नॉर्मल बनवाएंगे, आजकल तो सब कुछ भी खड़ा कर दो उसको खींचने के चालू कर देते लोग। हाँ जी गार्ड साहब क्या हाल है, इसमें क्या फवारे वगैरह चलते हैं? फिर अभी नहीं चल रहे हैं गार्ड साहब? अभी बंदे 5:30 चालू होंगे। 5:30 चालू होते हैं ना, अभी तो काफ़ी बचा हुआ है शायद बनने में, है ना? हाँ वो चल रहा। और परेशानी वरेशानी खूब आ रही है, लोग तंग कर रहे हैं मुझे भी। ये आ गया है पार्क का एंड, मतलब जो फर्स्ट फेज़ है उसका एंड आ चुका है। तो यहाँ से आगे जो है चक्कर नहीं है क्योंकि इसके बाद में रोड आ चुकी है, तो यहाँ पे आखिरी एंड आ गया है पार्क का। और 3.5 किलोमीटर का करीब करीब चक्कर बता रहे हैं, गार्ड साहब से मेरी बात हुई कि बोले 3.5 किलोमीटर का अभी तक का चक्कर है फिलहाल जो है। और सेकेंड फेज़ का काम भी बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, हो सकता है शायद 2-4 महीने के अंदर अंदर सेकेंड फेज़ का काम भी कम्प्लीट हो जाए। और साथ में जो फूड कोर्ट ये लोग बनाने की मतलब चाह रहे हैं, इन लोगों ने क्या है कि प्रपोज़ किया है कि फूड कोर्ट भी बनेगा बढ़िया सा, कैंटीन भी बनेगी,
तो बढ़िया, उसके बाद में और भी माहौल अच्छा रहेगा। और संडे को जब नॉर्मली इतनी भीड़ है, तो फिर जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो उसके बाद तो भीड़ आप सोचिए यार, आप खुद ही समझ सकते होंगे कितनी भीड़ आ जाएगी। ये बचावा काम चल रहा है, ये अभी झूले आना बाकी हैं बच्चों के सेकंड फेज के अंदर। ये देखिए ये जिमनेजियम टाइप का ये भी आना बाकी है, जैसे कि सेंट्रल पार्क में भी है जो सी स्कीम के अंदर है। और साथ में ये क्लॉक टावर ये भी अभी आना बाकी है सेकंड फेज के। तो काफ़ी कुछ यार बचा है जो कि है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, और बहुत कुछ अभी आएगा इसके है ना साथ साथ में, और बहुत ही ज़्यादा है ना लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ आने वाली है। और अच्छी बात है यार, मतलब लोगों के लिए लैंड तो आ ही चुकी है, लैंड एक्वायर करके, और काम तो करीब 1.5-2 साल से चल रहा था और बहुत जल्द इसका काम कंप्लीट हुआ है, बहुत ही तेज़ी से बनाया गया है। तो लोग जो है मानसरोवर के, उनको क्या है बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी पार्क के बाद में, और ये एक और सौगात दी गई है कि वो आराम से आकर के यहाँ पे अपना है ना मूड फ्रेश कर सकें, और जब भी उनके पास टाइम हो तो फैमिली के साथ जो है गेट टुगेदर जैसी, और पिकनिक स्पॉट्स भी लोग बना ही लेते हैं ऐसी जगह पे जिनको नेचर और खुली जगह पे बैठना पसंद है। ये सारा का सारा है ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप लोग देख लीजिए अभी काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन बाकी है। देखिए दूर दूर तक आपको दिखाई देगा कि कितना कंस्ट्रक्शन बाकी है। आप करीब करीब मान लीजिए कि यार आधा बन गया है और आधा सा ही बाकी है, 40% तो एटलीस्ट बाकी होगा ही होगा, 40 से ज़्यादा हो सकता है अगर 50 एग्जैक्टली भी नहीं हुआ तो। और ये देखिए मैं आपको दिखा, छाना चालू हो गए हैं, देखिए ये देखिए ये सेकेंड फेज़ के, और मैं खुद भी ये देखिए यहाँ पर ट्रैक बिछा हुआ दिखेगा आपको, ये देखिए सेकेंड फेज़ के अंदर ट्रैक्स बिछाना अच्छे से स्टार्ट हो चुके। तो आप लोग जो हैं कभी भी अगर मानसरोवर के साइड हो, और अगर टेक्नोलॉजी पार्क आपने विज़िट कर लियो जो कि उसका भी व्लॉग मैंने डाला था, तो आप लोग अब है ना एक और नई जगह आ सकते हैं, और टेक्नोलॉजी पार्क से भी बड़ी जगह है ये, क्योंकि टेक्नोलॉजी पार्क जो है उसमें खाली आपके घूमने की जगह दी गई है, लेकिन इसके अंदर जो है आपको फूड कोर्ट से लेकर के, और जिमनेजियम, जैसे कि क्या है ओपन जिमनेजियम होता है सेंट्रल पार्क में और पब्लिक पार्क्स के अंदर, जिसमें करीब करीब सारी तरीके की है ना मशीन्स होती हैं, ठीक है नेचुरल मशीन्स होती हैं, तो वो भी आपको मिलेगी। तो आप लोगों के लिए क्या बढ़िया चीज़ हो जाएगी एकदम। तो अच्छे खासे बड़े एरिया का कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है ना, लेकिन क्या है कि फुल स्विंग के अंदर चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया आपको 2-4 महीने के अंदर शायद इसका भी इनॉग्रेशन हो जाएगा, और जैसे ही सेकंड फेज़ भी स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को साथ के साथ उसके 2-5 दिन के अंदर, या जैसे मौका बैठेगा ना, मैं आप लोगों को सेकंड फेज़ का भी पूरा व्यू दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है और क्या क्या इनॉग्रेशन के बाद में खुला है। लेकिन 3.5 किलोमीटर का जो चक्कर है ना, जो ट्रैक बिछा दिए गए, जितना मुझे लगता है, जितना मेरी समझ के हिसाब से मुझे समझ में आया है कि चक्कर जो है ना वो 3.5 किलोमीटर का ही रहने वाला है, और सेंट्रल पार्क का करीब करीब 4-4.5 किलोमीटर का चक्कर है, तो सेंट्रल पार्क रह जाएगी इससे अभी भी बड़ी, जो कि सी स्कीम के अंदर है, जो कि आपने ब्लॉग के अंदर देखी होगी। तो जी आ गया हूँ, और हो गई अपनी सिटी पार्क की यात्रा, और आप लोगों का पूरा जितना भी था अभी तक का, जितना भी जैसा भी अभी तक दिख रहा है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, सिटी पार्क पूरा का पूरा। और वीटी रोड चौराहे पे आप आ जाइएगा बस मानसरोवर के अंदर, अदरवाइज आप इंडिया इंटरनेशनल स्कूल याद रखिए, इंडिया इंटरनेशनल स्कूल के सामने वाली रोड जो है वो है वीटी रोड, उस पर आ जाइए, उसके चौराहे पर पहुँचते ही आपको सिटी पार्क सामने ही दिख जाएगा। 3.5 किलोमीटर का करीब चक्कर है, और स्टार्टिंग के अंदर स्लाइड में लिखा हुआ था, जो कि मतलब आपने देख लिया होगा व्लॉग के अंदर कि भाई इसकी टाइमिंग्स क्या है। अगर आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।